हेलो बच्चों, ये वीडियो कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह के बारे में ये वीडियो बनाया गया है। हमारे व्याकरण प्रवाह का 6th लेसन है लिंग। लिंगों को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर। तो इसके बारे में इस पाठ में, लिंग के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दिए हैं बच्चों, चित्रों को आप ध्यान से देखिए और उनके नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या है? पहला वाला वाक्य, धोबी कपड़े धो रहा है। तो नीचे क्या है? धोबीन कपड़े सुखा रही है। ये धोबी है तो ये धोबीन है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माँ खाना पका रही है। ये पिताजी है, ये माँ है। मोर नाच रहा है, मोरनी बैठी है। यहाँ पर मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है और मोरनी बैठी है। मुर्गा बांग दे रहा है और मुर्गी दाना चुग रही है। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उससे आपको क्या समझ में आता है बच्चों? कि धोबी, पिताजी, मोर, मुर्गा। यहाँ पर जो धोबी है, पिताजी है, मोर है, मुर्गा है, ये सभी क्या है? शब्दों से हमें किस जाति का बोध हो रहा है? इन सभी शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। जबकि धोबीन, माँ, मोरनी, मुर्गी, इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? संज्ञा शब्द के ये सभी क्या हो गए? नाम हो गए ना किसी ना किसी के, तो ये क्या हो गए? नाम हो गए, तो ये संज्ञा हो गए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? लिंग कहा जाता है। तो संज्ञा को कैसे, ये सभी नेम है ना, तो ये संज्ञा के, संज्ञा शब्द के जिस रूप से क्या हमें पता चलता है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अगर वो पुरुष जाति का है तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगर वो स्त्री जाति का है तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो इससे हिंदी भाषा में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और तथा पुल्लिंग। पुरुष जाति का हो तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का हो तो स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरणार्थ उसे पुल्लिंग कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरणार्थ आदमी, सुनार, कुत्ता, घड़ा, घोड़ा, मुर्गा, हाथी, ये सभी क्या हो गए? पुरुष जाति के हो गए। लड़का, ये सब आदमी, ये सभी क्या हो गए? पुरुष जाति के हो गए। तो जो पुरुष जाति के है वो पुल्लिंग। जिस शब्द से ये पता चले कि वह स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। उदाहरणार्थ बकरी, माँ, बिल्ली, चम्मच, लड़की, बच्ची, इससे किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पुल्लिंग शब्द दिए हैं और यहाँ पर स्त्रीलिंग दिए हैं। दादा, दादी, दादा पुल्लिंग है तो दादी स्त्रीलिंग है। नाना पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग नानी है। मामा, मामी, जनरली आप इस्तेमाल करते हो। और आप जब से ही सांकेतिक भाषा बोलने लगते हो अपने घर में से ही आपको पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष। आप अपने घर में अपने सांकेतिक भाषा से जन्म से ही आपको पता चलता है दीदी किसको बोलना है, दादा किसको बोलना है, नानी किसको बोलना है, माँ किसे बोलना है, पिता कैसे होता है बोलना है। इससे आप जो पुरुष जाति का होते हैं वो आपको वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन व्याकरणिक तौर से आपको वो पता चलने के लिए उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, परिभाषा आनी चाहिए। भाई होता है, भाई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या है? बहन है। सुनार पुल्लिंग है तो सुनारिन स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपको वो ठीक से रीड करने हैं।
जब आप ठीक से रीड करोगे तभी वो आप उसका अर्थ समझ सकते हो। अब हमने आपने इसमें क्या सीखा? हमने सीखा हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं और वो है स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर जो होमवर्क दिया गया है वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वो सॉल्व करके दिया है। ये होमवर्क आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक पंक्तियाँ दी गई है और ये चार पंक्तियाँ हैं उसमें क्या किया है, लिंग वाले संज्ञा दी गई है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है। आप जैसे अंग्रेजी में करते हो ना ऑड मैन आउट, वैसे ही किया गया है। तो यहाँ पर पहला शब्द है पेड़। थोड़ा सा मुझसे प्रिंटिंग में है, फोटो कैप्चर करने में थोड़ा सा हो गया है। टेक्स्ट बुक भी आप उसके साथ थोड़ा देखो, थोड़ा सा अंदर गया है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर कौन सा है शब्द? पेड़, आम, बरगद, पीपल और यहाँ पर क्या है, लता। ये लता किसका बोध कराता है? स्त्री जाति का। तो ये लता ऑड है, ऑड मैन आउट है, ऑड है, इसलिए उसको अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। इसमें से क्या है, सुनार, नाई, धोबीन, बड़ई, कारीगर। तो इसमें ये सभी पुरुष जाति के है, धोबीन छोड़कर। बड़ई मीन्स सुतार, ये सभी क्या है, पुरुष जाति के है और ये धोबीन ही अकेले स्त्री जाति की है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया है। आगे मोरनी, हिरनी, चिड़िया, तितली, तोता, ये सभी स्त्री जाति के है तोता छोड़कर। तोता क्या है, पुरुष जाति का है। उसके आगे बुआ, चाची, अम्मा, भैया, दीदी, बाकी के सभी स्त्री जाति के है और भैया पुरुष जाति का है, उसे अंडरलाइन किया है। उसके नीचे क्या दिए गए, कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो कलरफुल है, रंगीन शब्द है, उनके हमें लिंग बदल कर लिखने हैं। चूहिया अपने बिल में घुस गई, तो चूहिया का लिंग क्या बदलेगा, लिंग बदलने पर चूहिया का क्या हो जाएगा, चूहा, चूहा पीछे रह गया, चूहिया का चूहा। हाथी गन्ना खा रहा है, तो हाथी, हाथी के लिए क्या है, लिंग बदल कर क्या हो जाएगा, हाथी पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा, हथिनी, हथिनी केले खा रही है। छात्रा पढ़ाई कर रही है, तो छात्रा क्या हो गई, स्त्रीलिंगी हो रहे हैं, हो है स्त्रीलिंगी है, तो क्या आएगा, छात्र खेल रहा है। लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का से क्या होगा स्त्रीलिंग, लड़की, लड़की चित्र बना रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है, माली का क्या आ जाएगा, मालिन, फूल चुन रही है। यहाँ पर बच्चों चित्र पहचानो, शब्द को पढ़ो और बताओ किसका कौन सा लिंग है, आपको बच्चे ये खुद करना है। मैंने ये चित्र यहाँ पर, यह चित्र दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, ये चित्रों को आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके ये चित्र के नाम लिखने हैं। ये बैल है, ये हाथी है, ये लिखना है और ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है वो आपको खुद करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके नीचे का क्या है, उचित लिंग के साथ मिलान कीजिए। चूहे, चूहा, चूहिया, सेवक, सेविका, सम्राट, सम्राटनी, बंदर, बंदरिया, गायक, गायिका। दिए गए शब्दों के सही जोड़े ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसमें है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों भी मिक्स किए गए हैं, आपको ये सेपरेट करके लिखने हैं। जो पहले दिए गए शब्द वो आपको ठीक से पढ़ने हैं, आप कोशिश करो और मैंने ये जो यहाँ पर दिए हैं सॉल्व करके उसके साथ आप ये टैली करो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, अब ये हमारा आगे का लेसन है वचन। यह सातवां पाठ है वचन। वचन को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर। तो
तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और उन चित्रों के साथ कुछ वाक्य दिए गए हैं। वो वाक्य मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वो एक चिड़िया शांत बैठी है, कई चिड़िया चहचहा रही है। ये क्या है? एक चिड़िया है ना, तो एक चिड़िया के लिए कौन सा शब्द आया है? खाली चिड़िया लिखा है, लेकिन कई चिड़िया, ये कई है, कई चिड़िया चहचहा रही है। तो यहाँ के चिड़िया में और यहाँ के चिड़िया में आपको क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है और यहाँ पर चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर एक के लिए चिड़िया के लिए चंद्र बिंदु दिया है क्या? नहीं दिया है। अनुनासिक दिया है क्या? नहीं दिया है। और कई चिड़िया के लिए यहाँ पर चंद्र बिंदु इस्तेमाल किया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर एक लड़का पास घास पर बैठा है, ये लड़का क्या है? एक लड़का घास पर बैठा है। तो दो लड़के वहाँ खेल रहे हैं, ये दो लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो ये लड़का लड़का लिखा है, लेकिन जब दो आते हैं, एक के लिए लड़का शब्द लिखा है, लेकिन जब वो दो हो जाते हैं तो लड़का का यहाँ पर लड़के हो गया है, एक की मात्रा उसमें ऐड की गई है। मूर्ति के गले में एक माला है और कई मालाएं उनके पास रखी है। ये जो मूर्ति है उसके गले में क्या है? एक माला है, लेकिन कई मालाएं उनके पास रखी है। इस माला और इस माला में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? एक है तो माला शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और एक से ज़्यादा, एक से मैंने, वन से मैंने है, तो वहाँ पर मालाएं एक ही मात्रा यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। तो ऊपर के वाक्यों से आपको क्या पता चलता है कि ये चिड़िया, ये एक बालक, ये एक माला, ये सभी क्या है? संख्या में एक है। क्या है वो? संख्या में एक है। लेकिन ये चिड़िया, ये दो लड़के, कई मालाएं, इससे पता चलता है कि वह संख्या में एक से अधिक है। तो फिर वचन की परिभाषा क्या आ जाएगी? शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है, वचन कहलाता है। क्या पता चलता है? उस वस्तु, वह शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है। किसका पता चलता है? उसकी संख्या का पता चलता है। एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है, इसका पता चलता है, उसे वह वचन कहलाता है। सभी को ये परिभाषा लर्न करनी है, अपने नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन को जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर नंबर, किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का, उसकी एक संख्या का बोध हो, उसकी क्या हो? एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तारा, नदी, लड़की, इससे आपको क्या? लड़का का है तो एक लड़का ना, लड़की तो एक लड़की, लड़के होता तो मैं नहीं होता ना, ये तो वन वन ही है ना। तारा नदी, एक ही नदी का नाम लिया है, तारा नदी। नदिया कहा है क्या? मैंने कहा है क्या? नहीं। तो जिससे उसकी एक ही संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। तो बहुवचन उसके ऑपोजिट, फ्लूरल, सिंगुलर एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए फ्लूरल। शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो, जिस शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या का जहाँ पर बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़का है, तो यहाँ पर उसके बहुवचन में क्या आएगा? लड़के। यहाँ पर एक नदी है, अगर ज़्यादा नदियाँ होती तो नदियाँ। यहाँ पर लड़की है तो लड़कियाँ आएगा। यहाँ पर चूहा एक वचन है तो चूहे अनेक वचन है। बकरी एक वचन है तो बकरियाँ अनेक वचन है। तो ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक और भाव तथा भाववाचक संज्ञा, मैंने आपको संज्ञा में बताया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती है। प्राण, दर्शन, केश, अश्रु, बाल, लोग, हमेशा आदि सदैव बहुवचन में ही
प्रयुक्त होते हैं। ये सभी जो शब्द है वह बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश आदि शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों के दोनों वचनों में रूप समान होते हैं, जैसे मनुष्य एक वचन में भी मनुष्य है, बहुवचन में भी मनुष्य है। पक्षी एक वचन में ही पक्षी कहा जाता है, बहुवचन में भी पक्षी कहा जाता है। विद्यार्थी बालक के लिए भी एक वचन में भी वही और बहुवचन में भी वही रूप होए। इनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान वाक्य में इनकी क्रिया होती है। एक वचन से बहुवचन बनने की विधियाँ, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं उसकी विधियाँ क्या है इसके बारे में अब हम देखते हैं। अ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनते हैं। कैसे? कलम, कलम के अंत में कौन सी मात्रा? अ, तो अ की जगह क क्या कौन सी मात्रा आ गई? कलम से कलमे, आँख से आँखें, रात से राते, टांग से टांगे। इसी तरह और कुछ शब्द दिए गए हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं कि अ की मात्रा के स्थान पर किसकी ए मात्रा हो गई है, आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा। अब आ जो शब्द होता है उसकी जगह पर कौन सी मात्रा आ गई है? ए मात्रा आ गई है। बेटा बेटे, लोटा लोटे, लड़का लड़के, पंखा पंखे, चूहा चूहे, मेला मेले, बच्चा बच्चे, केला केले। आ की मात्रा के आगे ए जोड़ दिया जाता है। ए कौन सा वाला? अनुनासिक वाला। माता माताएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं, माला मालाएं। ये बच्चों आपको आपके नोटबुक में लिखना है। जिन शब्दों के अंत में या हो उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले आपको जो चित्र था उसके साथ एक्सप्लेन किया था, चिड़िया एक होती है तो चिड़िया आता है, लेकिन जब मिनी चिड़िया होती है, एक से ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है, मतलब अनुनासिक आ जाता है। बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। आपको ये शब्द ठीक से रीड करने हैं और आपके नोटबुक में लिखने हैं। जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो, ई कौन सी वाली? ई ह्रस्व ई की मात्रा हो, उनके आगे या जोड़कर क्या होता है वो स्त्रीलिंग शब्दों में, वो स्त्री या जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? गति गतिया, तिथि तिथिया, पंक्ति पंक्तियाँ, जाति जातिया, मणि मणिया, रीति रीतिया। अब दीर्घ ऋ की मात्रा के स्थान पर ह्रस्व ई की मात्रा लगाकर अंत में या जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों में बदल किया जाता है। यहाँ पर देखो, रानी शब्द के लिए न दीर्घ है मात्रा, लेकिन जब उसका मेनी हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, तो रानी या का न ह्रस्व हो जाकर या के ऊपर चंद्रबिंदु आ जाता है। नारी नारिया, दीर्घ से ह्रस्व हो जाते हैं। स्त्री स्त्रिया, काफ़ी काफिया। यहाँ पर जो कुछ दिया गया है शब्द, वो आपको ठीक से रीड करने हैं। उसके साथ इसका जो होमवर्क दिया गया है, तो उस होमवर्क में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए पेड़ की पत्तियों पर एक वचन तथा बहुवचन शब्द लिखे और उन्हें सही स्थान पर लिखना है। यहाँ पर क्या किया गया है? पेड़ के पत्तों पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन है और बहुवचन के रूप दर्शाते हैं। तो आपको क्या करना है? एक वचन में जो है वो एक वचन में लिखना है, बहुवचन में जो है बहुवचन में लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिया है, लेकिन आपको वो जोर से पढ़ते हुए अपने नोटबुक में लिखना है। आप यहाँ पर कुछ सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? वह शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है वचन कहलाता है। वचन के कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित लिखो। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में लड़का लड़की बेटा आदि, बहुवचन में लड़के लड़कियां बेटे आदि। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। रानी है तो रानिया, तिथि तिथिया, बेटा बेटे, चिड़िया चिड़िया, सभा सभाए। रेखांकित शब्दों के
वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तालाब में मछली तैर रही है, तो मछली का क्या आ जाएगा बहुवचन? मछलियाँ। नीले आकाश में चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर मैनी है तो एक चिड़िया आएगा, एक आकाश में चिड़िया उड़ रही है। मैंने अपनी आँख बंद कर ली, आँख के लिए क्या आएगा? आँखें। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, दवाई दवाइयाँ। हमारा दूसरा लेसन है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दिए गए हैं कि दो नेहा और माली आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं वो सब बात मैं पढ़ती हूँ और आपको फिर उसके बारे में विश्लेषण करती हूँ। नेहा क्या बोलती है? चाचा तुम क्या कर रहे हो? माली, बिटिया मैं पौधा लगा रहा हूँ। नेहा, तुम पौधा किसके लिए लगा रहे हो? माली, बिटिया मैं पौधा श्रीमती रमा के लिए लगा रहा हूँ, उन्होंने ही इसे नर्सरी से मंगवाया है। चाचा मेरे लिए भी एक पौधा लगाना। माली, बिटिया जरूर लगाऊंगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ संज्ञा है, संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कौन से संज्ञा है? नेहा, माली, तो ये नेहा और माली संवाद कर रहे हैं। तो नेहा चाचा को बोलती है, चाचा तुम क्या कर रहे हो? बार बार वो चाचा चाचा कर रहे, क्या चाचा चाचा क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि नहीं? तुम, तो ये तुम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। फिर माली, बिटिया मैं पौधा लगा रहा हूँ, मैं, तुम पौधा किसके लिए लगा रहे हो? चाचा की जगह तुम। बिटिया मैं, चाचा खुद के नाम की जगह मैं, उन्होंने ही श्रीमती रमा के लिए यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया। चाचा मेरे लिए, मेरे लिए मतलब नेहा के लिए एक पौधा लगाना। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन मैंने वर्ड्स किए गए हैं वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर इनका इस्तेमाल किया गया है। तुम, हम बोलते हैं ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, हर बार बोलते हैं कि राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोला, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे पिताजी हर रोज़ काम पर जाते हैं। यहाँ पर जो मेरे, वह, उसने, ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि शब्दों के स्थान पर नाम या संज्ञा के रहते तो उसकी भाषा इतनी सुंदर न बनती, और इससे क्या हो जाती है? भाषा सुंदर बन जाती है। हर बार हम संज्ञा का ही इस्तेमाल करेंगे तो भाषा प्रभावशाली और सुंदर नहीं बनेगी। इसके लिए उसे की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ना, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? नाम या शब्द, नाम या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, आप, वह, उसे, उसने, उन पर, वे, किसे, किसका, मेरा, हमारा, आपका, आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमें, हम हिंदी भाषा में कहते हैं उसकी यहाँ पर सूची दी गई है। मैं किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तू किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी यहाँ पर सूची दी गई है। आपको ये ठीक से पढ़ना है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम भाषा को सुंदर और सरल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो होमवर्क दिया गया है, अभ्यास दिया गया है, इसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। आप आगे का आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और यहाँ पर देखकर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। कल मेरे दादाजी का चश्मा खो गया। क्या आपने कभी पेट्रोल तेल की सवारी की है? तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? इस वर्ष मुझे भी तैराकी में पुरस्कार मिला है। वह बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है। मैं अभी कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। ये सभी सर्वनाम यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगे। उचित स्थान सर्वनाम से रेखा खींचकर वाक्य बनाए और दिए गए स्थान में लिखिए। आपको इसके वाक्य बनाने हैं। कई है, पहला क्या शब्द दिया है? मैं दिल्ली लाल किला देखने जा रहा हूँ। वह दिल्ली से वापस आ गया है। क्या आएगा? वह दिल्ली से वापस आ गया है। तुम दिल्ली मेरे साथ चलोगे? हम दिल्ली सभी साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर ये वाक्य लिखने हैं, आपको ये वाक्य यहाँ पर लिखने हैं।
दिए गए शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम शब्द अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर मैंने सवाल करके दिए हैं, फिर भी आपको यहाँ के संज्ञा कौन से है और सर्वनाम कौन से है खुद लिखने की कोशिश करो, और फिर यहाँ पर देखकर अपने नोटबुक में आपको लिखना है। एक कौवा था वो बहुत प्यासा था, उसने इधर उधर पानी ढूंढा, उसे कहाँ पानी न मिला, अंत में वह एक बाग में आया, उसे एक घड़े में पानी मिला, उसने पानी पिया और उड़ गया। यहाँ पर संज्ञा के जगह पर जो शब्द आ गए हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, मैंने उसे सर्कल किया है। यहाँ पर कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, है सर्वनाम यहाँ पर आपको देने हैं और वो वाक्य कंप्लीट करना है। आप भी खुद रीड करने की कोशिश करो और ढूंढ कर लिखो। यहाँ पर क्या है, पहले भैया भैया डैश बाजार जा रहे हैं, वह बाजार जा रहे हैं। स्वाति ने कहा मेरा होमवर्क कर है, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, वह पापा से मिलने आया। राम बुद्धिमान है लेकिन वह बहुत शैतान है। सीता मेरे बहन की घर जा रही है। आपको ये मेरे साथ पढ़ने हैं और लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो सही है उसको आपको सही का और जो गलत है उसको गलत का निशाना करना है। यहाँ पर मैंने करके दिया है, आपको भी रीड करके वो करना है। हमारा अगला लेसन है विशेषण। यहाँ पर कुछ संवाद दिया गया है और माँ और बेटे का वो संवाद है उसको हम देख लेते हैं। क्या दिया गया है संवाद, माँ मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मुझे लाल पीली मिट्टी मिट्टी आइसक्रीम चाहिए, मैं एक नहीं दो दो खाऊंगा। मैं माँ मैं तुम्हारा अच्छा बेटा हूँ ना। तो ऊपर के शब्दों में क्या आ गया है, अलग, अब संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया है, तो विशेषण। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको क्या आइसक्रीम आइसक्रीम के बारे में किसकी विशेषता, इसमें क्या कहा गया, माँ से अपना बेटा वो क्या कर रहा है, कुछ बातें बता रहा है आइसक्रीम के बारे में और वो आइसक्रीम की वो विशेषताएँ बता रहा है। मुझे लाल पीली मिट्टी मिट्टी, वो आइसक्रीम उसको कैसी लगती है, लाल लाल पीली पीली मिट्टी मिट्टी आइसक्रीम उसको पसंद है। माँ एक नहीं, और वो कितने कितने चाहता है, दो दो, कितने, दो दो। माँ मैं तुम्हारा अच्छा बेटा हूँ ना, आप तो किसी से भी किसी के भी अच्छे गुण दोष दिखाने के लिए आप बोलते हो ना कि मैं आप तुम्हारा अच्छा बेटा हूँ, वो बुरा लड़की है। मैं एक नहीं चार चार वस्तुएँ लेकर आया, वो उसकी ड्रेस वाइट है, सफ़ेद रंग की है, उसको पीला रंग बहुत पसंद है। इसमें आप उसे संज्ञा के या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताते हैं ना, यहाँ पर आइसक्रीम के बारे में उसकी विशेषता बताइए, उसके साथ उसने खुद के बारे में भी बताया ना कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं, किसी भी संज्ञा या विषय है सर्वनाम के जगह है, सर्वनाम के बारे में अधिक विशेषताएँ बताए जाते हैं, उसके फीचर्स बताए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम कैसी है, मिट्टी मिट्टी लाल लाल, कितनी आइसक्रीम है, एक दो दो। यहाँ पर कैसा बेटा है, हो अच्छा बेटा है, ये सभी के सभी शब्द क्या है, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। तो यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द देखिए, गुण दोष रंग आकार अवस्था, ये सभी क्या है, इसके लिए आपको अगर किसी के गुण दोष बताने हैं तो उसके लिए ये सारे विशेषण हैं, अच्छा बुरा सुंदर मीठा कड़वा नमकीन खट्टा, रंग के लिए पूरे रंग है यहाँ पर, आकार के लिए लंबा गोल जितने प्रकार का आकार होता है वहाँ पर है, अवस्था के लिए स्वस्थ रोगी पिचकी दुबली मोटा, हम बोलते हैं ना वो बहुत मोटी लड़की है, वो बहुत दुबली लड़की है, वो देखो बच्चा कितना स्वस्थ है, वो देखो आदमी कैसे रोगी की तरह चल रहा है, ये सभी क्या अवस्था है, और ये किस में आती है, विशेषण में आती है। काल के लिए नया पुराना, अगला पीछा स्थान, नीचा गहरा उतला है, उतला भारी भीतरी, संख्या एक चार पहला दूसरा अंतिम दसवां, ये सभी संख्याएँ भी दर्शाता है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम के सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द अगर लाल है पीला है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, अगर वो आपको आइसक्रीम कैसी मीठी मीठी पीली पीली
पीली क्या है, आइसक्रीम है ना, तो ये मिट्टी मिट्टी पीली पीली विशेषता हो गई ना उस आइसक्रीम की, तो मिट्टी मिट्टी लाहेल लाल पीली ये क्या है, विशेषण है। तो क्या है लाल पीली मिट्टी मिट्टी आइसक्रीम, तो ये विशेषण के बारे में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो लाल लाल पीली पीली मिट्टी मिट्टी ये क्या है, विशेषण है, तो आइसक्रीम क्या आ जाएगा, विशेष्य आ जाएगा। तो इसमें भी क्या कहा गया है, डेफिनेशन क्या है, विशेष्य की विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाल टमाटर है, लाल और टमाटर दोनों शब्द दिए गए हैं, तो क्या है टमाटर कैसा है, लाल, तो ये लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो क्या लाल है, टमाटर, तो टमाटर विशेष्य हो गया। यहाँ पर चार केले हैं, तो चार क्या हो गया, विशेषण हो गया, और केले क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से, संज्ञा अथवा सर्वनाम को विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, उसके साथ ही जो भी कुछ होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, आपको भी खुद ये सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ताज़ी क्या होती है, सब्जियाँ, लाल गुलाब, दयालु आदमी, पीली चिड़िया, मोटी लड़की, ऊंचा पर्वत। पर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, विशेषण दिए गए हैं, आपको उनसे वाक्य बनाने हैं। सुनहरी, आज सुनहरी धूप खिली थी। कठोर, मोहन के पिताजी बहुत कठोर है। उदार, राम का उदार मन सबने देखा है। नेक, राघव नेक दिल लड़का है। 3 किलो, मैंने 3 किलो चीनी लाई। कुछ, हमारे घर में कुछ ही आम बचे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बॉक्स में आपको कुछ विशेषण दिए गए हैं, आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखने की कोशिश करनी है। सही विकल्प पर, सही विकल्प आपको चुनने हैं। पीला फूल खिला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, पीला फूल, फूल पीला विशेषण है। मैं 2 सेब खाता हूँ, इसमें विशेष्य क्या है, सेब। काला नमक खाओ, रेखांकित शब्द क्या है, काला क्या है, विशेषण। यहाँ पर कुछ सवाल जवाब दिए हैं, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य जिन शब्दों, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, आपको ये रीड करना है और उसमें से जो कुछ विशेषण है वो यहाँ पर लिखने हैं और विशेष्य यहाँ पर लिखने हैं। मैंने लिख कर दिए हैं बच्चों, लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए, खुद लिखना चाहिए। तो आप भी खुद लिखने की कोशिश करो और फिर देखो आपके ये सही है या गलत है। यहाँ पर मैंने जितने भी पार्ट लिए हैं वो पार्ट आपको ठीक से रीड करने हैं और उसके सवाल जवाब आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।